नारे के साथ अहमदनगर से बांग्लादेश तक का 3000 किलोमीटर का सफर तय कर भंडारा शहर में हुआ आगमन। भारतीय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती पर अहमदनगर से बांग्लादेश नौसेना तक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अहमदनगर से 75 दिनों में 3000 किलोमीटर का यह सफर तय किया। सद्भावना यात्रा के 15 दिन बाद भंडारा में सद्भावना यात्रा शुरू की गई, जिसमें भंडारा ओबीसी क्रांति मोर्चा ने उनका स्वागत किया, जिसमें ओबीसी क्रांति मोर्चा के मुख्य संयोजक संजय मते, लायंस क्लब ग्रीन सिटी के अध्यक्ष जाकिर रावलानी, डॉक्टर लॉर्ड मुस्के, ग्राम विकास संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दिलीप बिसेन, शिवराम भोयर, प्रभाकर कलाम्बी, साइकिल एसोसिएशन के डॉक्टर वैशाली गोमकाली एवं अन्य साथी उपस्थित थे। यह साइकिल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से होकर गुजरेगी। आखिरी के 18 दिन बांग्लादेश में रहेंगे। यह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती है। इस अवसर पर संविधान के मूल बिंदुओं को जागरूक करते हुए इस चक्र यात्रा के माध्यम से दोनों देशों में स्वतंत्रता आंदोलन की भावना का जागरण किया जा रहा है। भारत के विभाजन के बाद से पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जा रहा था। जब महात्मा गांधी 125 दिनों के लिए नाव के नीचे आए तो उन्होंने रक्तपात को रोका और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सद्भाव पैदा किया। उस समय ब्रिटिश सेना भी कमजोर हो गई थी। ऐसा होने के बाद जबकि गांधी ने अकेले यह स्थायी शांति और सद्भाव बनाया, परिणाम स्वरूप चक्र सद्भावना यात्रा नौखली में समाप्त होगी। ही सद्भावना सायकल यात्रा ही समाजातली विषमतेची दरी दूर करून एकतेचा संदेश देते। म्हणजे आपला भारत देशात विविधतेत एकता आढळते, अनेक जाती धर्माचे लोक एकत्र राहतात। भारत हा जगातील 253 देशांपैकी असा एकमेव देश आहे की ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त विविधता आढळते किंवा जास्तीत जास्त जाती धर्माचे लोक एकत्र राहतात। त्यामुळे आमच्या सद्भावना यात्रेचा एकच संदेश आहे की वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक एकत्र आले पाहिजे, त्यांनी एकतेने राहिलं पाहिजे आणि ही एकात्मता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ही एकात्मता कशी टिकवून राहील हे सांगण्यासाठी ही सद्भावना यात्रा निघालेली आहे। साहजिकपणे सायकलने जे काही आपण प्रवास करतो त्यावेळेस आपल्याला फिटनेस खूप महत्त्वाचा वाटतो आणि तुम्हाला जर सायकल प्रवासाची जर सवय नसेल तर तुमचे गुडघे दुखतात, तुम्हाला खूप प्रकार वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास होतात। परंतु आमच्यामध्ये असणारा जो काही उत्साह आणि आमच्याबरोबर असलेले जे काही सर्व सायकल यात्री त्यांच्या एकमेकाच्या सपोर्टने आम्ही हा सायकल प्रवास करत आहोत आणि बांगलादेशपर्यंत जाण्याचा आमचा सर्वांचा निर्धार आहे आणि ही सद्भावना सायकल यात्रा या अहमदनगर शहरापासून ते बांगलादेशच्या नौखालीपर्यंत अशाच उत्साहानं आणि अशाच गांधीजींच्या प्रेरणेनं कायमस्वरूपी वाटचाल करत राहणार आहे। BCN न्यूज के लिए सिहोरा से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।